पांडे जी, दिलीप पांडे जी, मैं एक मिनट के लिए, मैं एक मिनट के लिए अंदर आना चाहूंगी। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूं कि अगर इतनी ही बुरी स्कीम है तो लाइनें क्यों लगी हुई हैं लोगों की इस अग्निवीर स्कीम में ज्वाइन करने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, इस पूरे मुद्दे पर मुझे लगता है आर्मी ने और आर्म फोर्सेस ने बहुत सी सफाइयां दी हैं और बहुत से डिटेल्स दिए हैं। क्यों इस वक्त आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे? आज मुद्दा है जो नई डिबेट खड़ी हुई है, कास्ट वाली और रिलीजन वाली। इसमें आपने जो एक चीज कही कि ये मुद्दा नया नहीं है और अगर नया कुछ करना ही नहीं है तो ये सरकार क्यों आई है, ये सवाल बनता है। तो ये अभिजीत अय्यर मित्रा से मैं पूछूंगी, अभिजीत अय्यर अगर कास्ट की जरूरत नहीं है तो इसको अग्निवीर स्कीम से हटा क्यों नहीं देना चाहिए? देखिए, कास्ट का इधर जरूरत है। जैसे मैंने बोला था, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उनका आइडिया था एक कास्टलेस आर्मी। और इसके पहले अंग्रेज क्या करते थे कि वो कास्ट के, जात के आधार पे रेजिमेंट डिवीजन ऐसे बनाते थे। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो हमने किया अपने फौज के साथ स्वाधीनता के पहले और स्वाधीनता के बाद भी, वो पाकिस्तान ने नहीं किया और इसी वजह से उधर कू होते रहे। तो इधर क्या है कि जात हम जानना चाहते हैं रिक्रूटमेंट फॉर्म पे, ताकि कोई भी ऐसे डिवीजन ना बने जो एक जात का डिवीजन हो, कि हर जात के लोग एक साथ इकट्ठे होने चाहिए। पर उसको इकट्ठा करने के लिए पहले जात का तो पता तो होना चाहिए ना, क्योंकि आर्मी में अगर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मण डिवीजन हुआ और एक क्षत्रिय डिवीजन हुआ तो फौज का होगा क्या? तो इनको मिलाने जुला के रखने के लिए, ताकि एक ब्राह्मण एक दलित के लिए अपना जान दे सके, या दलित एक वैश्य के लिए जान दे सके, या वैश्य क्षत्रिय के लिए जान दे सके। इसी वजह से उन्होंने ऐसे ये सर्कुलेशन मेथड किया था। अब आपको मिलावट मेल झोल करने के लिए पहले पता तो होना चाहिए ना। अगर आप पंचमेल दाल बना रहे हैं, पंचमेल दाल तो बस मसूर दाल के साथ नहीं बना सकते, आपको पता होना चाहिए कि मसूर दाल है, उड़द दाल है, मूंग दाल है। ये मुद्दा इतना पेचीदा नहीं है जिसे समझा नहीं जा रहा। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, मैं दोबारा ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या विपक्ष जानबूझकर समझना नहीं चाह रहा? देखिए, विपक्ष सब जानता है लेकिन सरकार आंख बंद किए हुए, सरकार मदद नहीं करना चाहती। आप बताइए, जो बच्चों की बात हो रही है, जो बच्चे 16-17 साल के जो सुबह उठते हैं 5 बजे, वो दर्द बीजेपी नहीं समझेगी। ये जो बैठते हैं दिल्ली में लुटियन जोन में, जो सरकार चल रही है, इनको कहां दर्द समझ में आएगा कि बच्चे गांव में या छोटे कस्बों में सुबह 5 बजे उठ के कितने किलोमीटर दौड़ते हैं कि हमारी नौकरी लग जाएगी, पिताजी उनके बेचारे खाना लिए खड़े रहते हैं। किसान के बच्चे हैं वो, किसान की तो इनकम दुगनी की नहीं, उनके तो पेट पे लात मारने में लगे ही हैं। अब किसान के बच्चे जो आर्मी में जाना चाहते हैं उनको भी 4 साल के लिए लेना चाहते हैं कि उनके भी जैसे 4 साल पूरे हो जाएं, फिर उनको बीजेपी के दफ्तर में सिक्योरिटी की नौकरी दे दें, ये इनकी मानसिकता है। पेंशन तक उनको देना नहीं चाहते। तो ये मानसिकता, नाविका जी आज आप पत्रकार हैं, शायद आप नहीं समझ पा रही होंगी, लेकिन आज गांव में रह रही होती तो आपको नाविका जी लगता कि मेरा बच्चा 4 साल के लिए जाएगा नौकरी के लिए? वो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक क्या 4 साल के लिए तैयारी कर रहा है? और जब 4 साल से वहां से लौटेगा उसके बाद क्या प्रोविजन है?